अपनी अच्छाई की वजह से है ना, तो अपने शहर को जो बदनाम कर, अपने मोहल्ले को जो बदनाम कर रहे हैं, तो आप लोगों से यही गुजारिश है। मेरे को जिम्मेदारी घर वालों ने दी है गुरुवार वार्ड की, तो मैं आपसे एक वादा करता हूं, शेख आसिम अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे निकलता है घर से, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में काम कर कर बताया है, और आगे भी घर की ताकत ये जो दिख रही है ये हमारी ताकत है, इसी ताकत के ऊपर हम जाकर शहर में इलेक्शन लड़ते हैं। तो आप लोग इतनी बड़ी इस मीटिंग के सदर और हमारे मोहल्ले के जितने भी जिम्मेदार हैं, और इतनी बड़ी तादाद में हमारी मोहल्ले नहीं हमारे घर की ताकत ये जो दिख रही है ये हमारी ताकत है, इसी ताकत के ऊपर हम जाकर शहर में इलेक्शन लड़ते हैं। तो आप लोग इतनी बड़ी ताकत में आए तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बात जैसे ही बता रहे थे जुनेद भाई अच्छाई और बुराई की, तो आप सभी जानते हैं हमारे घराने के बारे में कि अच्छाई किस में है और बुराई किस में है। अच्छाई की बात होगी तो आप शहर को ये बताओ, क्या हमारे घर वालों ने यहाँ पर कभी किसी को कुछ तकलीफ दी? दिल पर हाथ रख कर बोलना, हमारी खानदान से कभी किसी को कोई यहाँ तकलीफ हुई? उल्टा ये हुआ है कि बाहर के किसी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि आके हज़ार खुली आले को आकर कोई आग उठा कर भी देखे। ये अल्लाह और उसके रसूल के बाद में एक जरिया शेख रशीद साहब और खलील दादा को बनाया था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हज़ार खुली की तरफ आकर आग उठा कर देखे या हज़ार खुली वालों किसी को कुछ बोले। तो ये तुम्हारा हमारा काम है, क्या हमारे शहर को जिस तरीके से आसिफ साहब ने डेवलप किया है, हमारे मोहल्ले को खुशी, आज 500 मीटर के एतराब में कहीं इतने शादी हॉल नहीं है जितने नूरबाग के अंदर 3 से 4 शादी हॉल है, 500 मीटर के एतराब में कहीं नहीं है। ये बता रहे हैं कि हमारे हज़ार गली के अंदर अपनी सामने साबित अली हॉल है, ना जाने कितने शादी हॉल है यहाँ पर, जॉगिंग ट्रैक है। इसी तरह के ऊपर आसिफ साहब पूरे शहर में इंशाल्लाह काम करेंगे। आपके जहाँ कहीं भी रिश्तेदार रहते हैं, जहाँ कहीं भी मोहल्ले के अंदर मालेगांव के अंदर रहते हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि उनको बताओ जो बुराई का जो अपने ऊपर जो दाग लगा रहे हैं, अभी इतनी बड़ी बात सलाम चाचा रोड के ऊपर की गई, उसके बारे में बताओ कि अपने शहर के अपने हज़ार खुली की क्या लोगों में रहने की सलाहियतें हैं कि किसी को आज तक पोलिटेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इतने सुलझे हुए लोग यहाँ रहते हैं, इसके लिए पोलिटेशन कोई जाता नहीं है, जीरो क्राइम है हज़ार खुली के अंदर। तो ये क्या हमारी अच्छाई की वजह से कि बुराई की वजह से? अपनी अच्छाई की वजह से है ना, तो अपने शहर को जो बदनाम कर, अपने मोहल्ले को जो बदनाम कर रहे हैं, तो आप लोगों से यही गुजारिश है। मेरे को जिम्मेदारी घर वालों ने दी है गुरुवार वार्ड की, तो मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों में बोल नहीं पा रहा हूँ उसके लिए माता, मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि मैं कल से इलेक्शन की प्रचार की शुरुआत हो रही है, तो गुरुवार वार्ड को बोल दूँगा कि हज़ार खुली वाले सेहरा भेज रहे हैं शेख आसिफ को, गुरुवार वार्ड में सेहरा जीत कर पहनाना है, बोल दूँ ना जाकर, हाथ उठाकर बोलो, पूरी ताकत से बोलो, एकदम भरोसे पर रहो ना मेरे भाई लोग के, क्योंकि अपना जो भाई है ये शेरों के जैसा लड़ने वाला है, गीदड़ के जैसा लड़ने वाला नहीं है, हर फैसले अपने बलबूते पे बिना किसी की बैसाखी पे, बैसाखी के सारे चलने वाला इसका नाम शेख आसिफ नहीं है, लोगों को आज बैसाखी की जरूरत पड़ रही है, शेख आसिफ वो नहीं है, शेख आसिफ अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे निकलता है घर से, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में काम कर कर बताया है, और आगे भी करके बहुत कुछ बताने वाले शेख आसिफ साहब। हमारे लीडर में वो हौसला वो जज्बा है, और कानून समझने की पूरी पूरे उनमें सलाहियतें है, तो आप सबसे गुजारिश है क्या आप हजार खुली में रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि अपने तुम्हारे रिश्तेदार बहुत सारे कहीं जहाँ कहीं भी रहते हैं, तो अपने हजार खुली के बारे में बताओ उनको, आसिफ साहब का नेचर कैसे, हमारे फैमिली का नेचर कैसे, कभी भी हमारी फैमिली से यहाँ कभी जाने अनजाने चलो जो कोई बात हो गई होगी, तो उसके लिए तो पहली बात हम माजरत चाहते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है जो हुआ था पिछले टाइम में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो वो मिस्टेक इंशाल्लाह ना होते हुए इस तरीके से यहाँ से और निकलना चाहिए कि कम से कम यहाँ से जब आसिफ भाई की पेटी खुले तो 20,000 से ज़्यादा लीड आखिरी पेटी तक के रहना चाहिए, रहेगी ना इंशाल्लाह। तो मैं जाकर बोलूँ ना कि हज़ार गली वाले सेहरा भेज रहे हैं और अपने गुरुवार वार्ड में शेख आसिफ को जीत का सेहरा पहनाना है, बोलूँ ना जाकर, बस इतना ही बात, दो बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, शुक्रिया।